वरी वन दिस इज वेरोनिका आज का टॉपिक है हमारे डिस्कशन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये क्या इसका मतलब है आर्टिसनल फिशरीज क्या होती हैं एक्वाकल्चर क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टूगैदर वी कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली जो है यू एन जी ए शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं उसने जो 2022 वाला साल है इसको डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर आई वाई ए एफ ए टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आर्टिसनल फिशरीज़ हो गई आपकी देखिए एक तो फ़िशरीज़ का काम बड़े लेवल पे होता है कमर्शियल लेवल पे होता है लेकिन जब ये हाउस होल्ड लेवल पे होता है या छोटी छोटी कम्युनिटीज के लेवल पे होता है कि फ़िश को एक्वाकल्चर हो गया रियर किया जाता है कल्टिवेट किया जाता है और फिर उसको छोटे लेवल पर बेचा जाता है छोटे लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है तो इसको हम आर्टिसनल फिशरीज़ कहते हैं कई एरियाज में आप देखेंगे एथनिक ग्रुप्स होंगे कुछ इन्वॉल्व होंगे इस चीज़ में तो इस चीज़ को हम आर्टिसनल फिशरीज कहते हैं जो स्मॉल स्केल पे होती है एक्वा कल्चर या फिर इसको एक्वा फार्मिंग बोल सकते हो कि एक्वा फार्मिंग हो रही है कमर्शियल ही है ये आ, तो ये जो दो टर्म्स हैं इसको इंटरनेशनल ईयर इस साल का बोला गया है डिक्लेयर किया गया इस साल को आर्टिसनल फिशरीज और एक्वा कल्चर के लिए एफ़ ए ओ जो है इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये लीड एजेंसी है जो इस साल ये सेलिब्रेट कर रही है और कोलैबोरेट कर रही है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलग अलग बॉडीज़ के साथ यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स की इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि इस इस स्टेप की आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरत क्या है ये साल अगर हम फिशरीज़ को ऐसे डेडिकेट कर रहे हैं आर्टिसनल फिशरीज़ को एक्वाकल्चर की एक्वा uh, कल्चर को तो इसका जरूरत क्या देखिए फूड सिस्टम आपका चल रहा है एक तरफ तो आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर चलता है नॉर्मल आपकी फार्मिंग चलती है अब एक्वा फार्मिंग भी तो है कितने सारे लोग हैं जो दुनिया में सी फूड पे डिपेंड करते हैं राइट अब देखिए फूड हैबिट्स आपकी मोस्टली आपकी जोग्रफ़िक लोकेशंस की वजह से भी आती हैं जो एरियाज़ कोस्टल एरियाज़ हैं समुद्र के पास हैं या जहाँ पे रिवर्स हैं वहाँ के लोग आप देखेंगे ज़्यादा फिश पसंद करते होंगे सी फूड अलग अलग तरह का आता है कोस्टल एरियाज़ में जो रहने वाले हैं वो बहुत खाते होंगे तो एक मेजर चंक अब हर देश की इकॉनमी जहाँ पर भी आ, ये एक्वा फार्मिंग होती है या सी फूड अवेलेबल है काफ़ी लोगों का रोज़गार उससे चलता है रोजगार के साथ साथ काफ़ी लोग फूड और न्यूट्रिशन के लिए भी सी फूड पर डिपेंड करते हैं तो ये पूरा आपका ग्लोबल फ़ूड सिस्टम है लेकिन अब हमारे ग्लोबल फ़ूड सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जैसे काफ़ी लोग भूखे रहते हैं हंगर आप देखते हैं माल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही है डाइट रिलेटेड डिजीजेज हो जाती हैं लोगों को और वैसे भी पॉपुलेशन तो ग्रो करती जा रही है हमको सबको खाना पहुंचाना है ताकि हंगर माल न्यूट्रिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आप देखो जीरो हंगर का गोल है हमारा इन सब चीज़ों को हमको पूरा करना है विद हेल्दी फूड खाना हो लेकिन हेल्दी भी हो और फूड वेस्ट और लॉस को भी रोकना है जितना वेस्ट जाता है हमारा खाना क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्स इससे डिप्लीट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट कर रहा है अभी कोविड नाइन्टीन में तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हमने लोगों पे देखा है हंगर का माल न्यूट्रिशन का तो अब इन चैलेंजेस की हम बात करें इन चैलेंजेस को नज़र में रखते हुए अब ये जो फूड चेन है एक फूड सिस्टम है हमारा सी फूड स्पेशली जो बात करें इसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अब फिश हो गई मोलिस् हो गए क्रस्टेशियंस हो गए एक्वाटिक प्लांट्स हैं आपके बहुत सारे ये लोगों की डाइट में है, शामिल हैं शामिल हैं ये इस तरह के फूड्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते राइट बहुत सारे लोग दुनिया में इन पर उनकी डाइट है वो इस पर डिपेंड करते हैं हेल्दी डाइट है उनकी कल्चरल हेरीटेज है और उनका ट्रेडिशन भी है कि हम लोगों ने शुरू से यही खाया है काफ़ी एरियाज़ के लोग हैं तो इसलिए दिस इज़ ज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल फूड सिस्टम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद स्मॉल स्केल जो आपकी आर्टिशनल फिशर्स हैं छोटे स्केल पर आप जो मछुआरे देखते हैं या फिश फार्मर्स हैं फार, फिश फार्मर्स का क्या काम है कि वो आर्टिफिशल सिस्टम इस तरह से बनाते हैं वहाँ पर फिश को ग्रो करते हैं फिर बेचते हैं तो इस तरह का एक सिस्टम चलता है रेयर करते हैं कल्टिवेट करते हैं हारवेस्ट करते हैं जिस तरह से हम नॉर्मल एग्रीकल्चर में करते हैं इस तरह से फ़िश फार्मर्स भी करते हैं वो एक मेजर फूड का पार्ट बनाते हैं इसलिए जो आई वाई एफ ए है एक अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को हाईलाइट करने की लोगों को इसका आर्टिसनल फिशरीज़ जो है इसका इम्पॉर्टेंस समझाने की कि ये कितने ज़रूरी हैं एक्वा कल्चर का कितना इम्पॉटेंस है फ़ूड सिस्टम्स में लोगों का रोज़गार इससे चल रहा है कल्चर और इन्वायरमेंट हर चीज़ में कि बहुत से लोग देखिए जिन एरियाज़ में कल्चर नहीं है शायद इतना सी फूड खाने का या जहाँ पे आसपास समुद्र पानी नहीं है लोग हार्डली शायद फ़िश खाते हैं क्योंकि सी फोड में बहुत सी चीज़ें आती हैं सिर्फ फ़िश ही नहीं आती यू हैव मॉलस्क यू हैव ट्रस्टेशंस अलग अलग चीज़ें आती हैं लेकिन कई लोग जहाँ पे कल्चर नहीं रहता हार्डली फ़िश खाते हैं तो वो इसका इंपॉर्टेंस नहीं भी समझ सकते कि क्या क्यों इतना ज़रूरी है लोगों के लिए खाना क्योंकि उनका पार्ट है उनके फूड सिस्टम का उनके रोज़गार का उनके कल्चर हेरीटेज का कल्चरल हेरीटेज का और उनके इन्वामेंट का स्मॉल स्केल जो फ़िशर्स हैं या फ़िश फार्मर्स जो हैं या फ़िश वर्कर्स जो हैं उनके पास उनमें इस पूरी कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है चेंजेस लाने का फ़िशरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें कि किस तरह से ये प्रोड्यूस की जाती हैं किस तरीके से इनको प्रोसेस किया जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अगर इसमें इस कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो आपको एक मेजर चंक जो पॉपुलेशन का है उस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि इस सेक्टर की ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव रहे और क्योंकि वो यू कैन फील थ्रू आउट द ग्लोबल फूड सिस्टम अब एम क्या है इसका पहला कि अवेयरनेस ये साल अगर हम इसको पूरा डेडिकेट करें सेलिब्रेट हैं एक तो अवेयरनेस कि स्मॉल स्केल फिशरीज का क्या रोल है तो मैंने आपको काफ़ी सारे रोल्स अभी समझाए एक्वा कल्चर का क्या रोल है किस तरह से हम साइंस कंजर्वेशन इंटरैक्शन अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इन्वॉल्व करके इसको समझा सकते हैं एक्शन ले सकते हैं ताकि जो पार्टनरशिप्स हैं और स्ट्रांग हों ऐसा करना क्यों ज़रूरी है ताकि लॉस ना हो वेस्टेज ना हो हंगर ना हो माल न्यूट्रिशन ना हो इन सब चीज़ों के लिए ये अवेयरनेस करना इम्पॉर्टेंट है ताकि इस चीज़ को ये जो सेक्टर है इसको स्ट्रेंथन किया जाए इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए आ, दूसरी बात आप देखिए जो वॉलेंट्री गाइडलाइंस हैं सिक्योरिटी सस्टेनेबल स्मॉल स्केल फिशरीज के लिए मतलब हमको अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी याद रखने हैं एक तो पहली बात कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो क्योंकि हम कंजर्वेशन की भी एक तरफ बात करते हैं तो वैसा भी ना हो लोगों का लाइवलीहुड भी चलता रहे सो दिस ऑल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इस साल को अगर ये डेडिकेट किया है तो इस बारे में हमको अवेयरनेस जो है वो देनी है धीरे धीरे एजेंडाज़ जो हमारे वो पूरा करने हैं उसके बाद दूसरा इट ऑल्सो फॉल्स विद इन यू एंडेट ऑफ फैमिली फार्मिंग द टू विल ऑब्जर वन एंड अदर इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर विजिबिलिटी टू स्मॉल स्केल आर्टिसनल फिशर्स फिश फार्मर्स एंड फिश वर्कर्स वैसे तो हम ये रिकोगनाइज करते हैं कि एक बड़े लेवल पे कमर्शियल लेवल पे आप देखेंगे हमारी सी फूड इंडस्ट्री चलती है दैट इज़ वन थिंग बट यहाँ पे हम स्पेशली रिकोगनाइज कर रहे हैं फैमिली फार्मिंग यानी एक छोटे लेवल पे कि लोग उनकी फ़ैमिलीज़ एक छोटी छोटी कम्युनिटीज ट्राइबल ग्रुप्स किस तरह से इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री में और उनको हमने कैसे सामने लाना है उनको कैसे सपोर्ट करना है इस तरह के वर्कर्स को फिशिंग इंडस्ट्री इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो एक्वाकल्चर फिशरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फूड प्रोडक्शन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट और इनकम हर चीज़ के लिए तो अगर इस सेक्टर का कोई इंपॉर्टेंस पूछे इंडिया में भी तो आप अलग अलग फूड प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं कितने लोग इस पर डिपेंड करते हैं इम्प्लॉयमेंट काफ़ी लोगों का रोज़गार चल रहा है और इनकम भी आ रही है ये सेक्टर अगर आप देखेंगे हमारी जी में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है वैल्यू एड करता है और एक्सपोर्ट अर्नर भी है यहाँ से बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे जैसे हम क्रैब्स देखते हैं एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से बाहर जितनी आपकी जिस तरह से एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ होती हैं इस तरह से फिशरीज के प्रोडक्ट्स भी आपके एक्सपोर्ट होते हैं ये आर्टिकल देखिए इंडिया कॉन्टीन्यूस टू मेंटेन इट्स पोजिशन एज अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर सो ये ट्वेंटी सेकेंड जनवरी टू थाउजेंड इसी साल की टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की न्यूज़ है फिशरीज़ प्राइमरी सोर्स हैं बहुत सारे कम्युनिटीज़ का जिनका रोज़गार फिशरीज से चलता है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर हमारे एक्सपोर्ट्स मोर देन फोटी सेवन थाउजेंड करोरस हैं फिशरीज़ सिंगल लार्जेस्ट अगर आप हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देखेंगे तो ग्रोथ भी इसमें बहुत है सिक्स टू टेन परसेंट ग्रोथ रेट है अगर हम लास्ट फाइव ईयरस का देखें सो so, आप इसका इम्पॉटेंस समझ सकते हैं फिशर पॉपुलेशन देखिए मरीन फिशर पॉपुलेशन 3.5 मिलियन 10.5 मिलियन लोग जो हैं वो इनलैंड फिशरीज और फिश फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं तो इसी तरह से हम इनके रोजगार की बात कर करें आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू तो यू शुरू में मैंने आपसे एफ के बारे में पूछा था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स लगाए जाते हैं मेन यही है कि कहीं पे हंगर ना हो इसको हमको बीट करना है न्यूट्रिशन मान न्यूट्रिशन ना हो हंगर ना हो वर्ल्ड फूड फूड डे जो है हर साल सिक्सटीन अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इट इज़ वन ऑफ द यू फूड एड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन रोम तो कहाँ पर बेस्ड है ये रोम इटली में uh, इसके बाद इसकी सिस्टर बॉडीज़ हैं कुछ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया तो ये एफ के बारे में है इंडिया और एफ़ के बारे में देखेंगे तो पूरी सपोर्ट रहती है जैसे इंडिया का प्रपोजल था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस को सेलिब्रेट करने का 2016 में तो एफ ने पूरा एंडोर्स किया इसको टू uh, थाउजेंड को हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स हमारे बजट्स में भी आप देखेंगे इस बार मिलिट्स का जिक्र हुआ है तो इसको डिक्लेयर करने का तो फुल सपोर्ट एफ़ की इसमें रहती हैं इंडिया ने कमरेटिव कॉइन सेवेंटी रुपी सेवेंटी फाइव डिनोमिनेशन का भी निकाला था सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी एफ की सेलिब्रेट करने की जो कि कब होती है सिक्सटीन अक्टूबर सिक्सटीन अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट करते हैं क्वेश्चन है आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट द दीकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स फॉरस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन सेवन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेज ई एम आई पे भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच